जीएसएलवी मार्क 3 लॉन्च कर इसरो ने कामयाबी की एक और इबारत लिख दी है। करीब 3 दशकों की कड़ी मेहनत और कुछ असफलताओं के बाद आज इसरो ने अपना सबसे बड़ा सैटेलाइट लॉन्च किया। इसरो का रॉकेट फैट बॉय अपनी पहली एक्सपेरिमेंटल उड़ान के लिए रवाना किया गया। जीएसएलवी मार्क 3D1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। माना जा रहा है कि ये सबसे भारी लिफ्ट रॉकेट होगा जो कि मानव को भी अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम होगा। आपको बता दें, यह रॉकेट करीब 15 साल के लिए विकसित किया गया है, जिसके निर्माण में 300 करोड़ का खर्च आया है। वहीं वैज्ञानिकों ने इसे राक्षस रॉकेट का नाम दिया है। रॉकेट में 4 टन तक के सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता है। बता दें, वर्तमान समय में भारत अगर 2.3 टन से अधिक वजन के सैटेलाइट लॉन्च करता है तो इसके लिए विदेशी तकनीक की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करने के बाद अब भारत खुद के दम पर 2.3 टन से ज़्यादा वजनी सैटेलाइट को लॉन्च करने में सक्षम होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, यूरोप, चीन और जापान ही इतने रॉकेट लॉन्च करने में कामयाबी हासिल कर पाए हैं। रॉकेट एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से चलता है, जिसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। वही रॉकेट लॉन्चिंग से भारत को अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के उद्देश्य में बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार इसरो ने अपने मिशन के तहत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए केंद्र सरकार से 12,500 करोड़ रुपए की मांग की है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो इसरो द्वारा इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने में 7 साल का समय लग सकता है। तो इसरो ने जीएसएलवी मार्क 3 को लॉन्च कर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी अलग पहचान बना ली है और अब जल्द ही भारत के लोगों का अंतरिक्ष में जाने का सपना भी सच हो सकेगा। देखते रहिए डीपी लाइव।